नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पटेल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रिक्स ऑफर्स। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूजफुल वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल से ही डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसकी PDF फाइल बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, जितनी भी फाइल आप स्कैन करते हैं उसकी सबकी फाइल आप उसकी PDF बना सकते हैं, और आसानी से किसी को भी व्हाट्सएप या फिर मेल करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, किसी को भी शेयर करना चाहते हैं वो शेयर कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको कभी भी और कहीं पे भी काम आ सकती है, और इस एप्लीकेशन को आपको कैसे और कहां से डाउनलोड करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सारी ट्रिक्स मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो दोस्तों समय नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे मैं आपके लिए ला देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एप्लीकेशन के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीधे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हमारे एप्लीकेशन नाम है टैप स्कैनर, जो आपको प्ले स्टोर पर आसानी से अवेलेबल मिल जाएगी, और यहां पे कोई एड शो हो जाती है तो आप उसको क्लोज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन को क्लोज़ कर दिया है, और यहाँ पर कुछ आपको सेटिंग्स दिखाई देंगे, आपको कुछ यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिल जाता है, रिमूव एड्स का ऑप्शन मिल जाता है, आप सिग्नेचर करना चाहते हो सिग्नेचर भी कर सकते हो किसी भी PDF के अंदर। और दोस्तों यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दिए गए तो आप सेटिंग्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्कैन का एक सेटिंग्स दिया गया है, आप यहाँ पे OCR लैंग्वेज को यहाँ पर चेंज करना चाहते हो वो चेंज कर सकते हैं, आप स्कैन क्वालिटी फाइल साइज को यहाँ से आप रेगुलर मैक्सिमम जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हैं, यानी वो सारे सेटिंग्स आपको यहाँ पर दिए गए। हमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही सेटिंग रखेंगे, कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। और यहाँ पे आपको एक कैमरा का एक आइकॉन दिया गया है, तो यहाँ से हम कैमरा पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट से आप देख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे स्कैन करने की कोशिश करूँगा, तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लिया है। तो यहाँ पर उसकी जो साइज़ है हमें कितनी रखनी है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, रिक्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डन बटन का ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पर, तो हमारी जो इमेज है क्रॉप हो चुकी है। और यहाँ पे आपको कुछ फ़िल्टर्स मिल जाते हैं, परफेक्ट फ़िल्टर्स, ओरिजिनल फ़िल्टर्स, आप जो भी फ़िल्टर लगाना चाहते हैं वो फ़िल्टर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ऑटो पे रखेंगे और यहाँ पे डन बटन पे सिलेक्ट कर लेंगे। इतना करते ही हमें यहाँ पर जो एक ऐड आएगी उसको क्लोज कर लेना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टैप टू न्यू पेज का, यानी दूसरा पेज हमें जो लेना है वो उसको हम लोग यहाँ से स्कैन कर लेंगे, और यहाँ से डायरेक्टली जो पेज डाउनलोड का ऑप्शन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। गैलरी से कोई फ़ोटो लेना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स इमेजेस आप ले सकते हैं, जो भी लेना चाहते हैं आप यहाँ से डायरेक्टली सीधे उस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट करके यहाँ से कुछ इस प्रकार आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लीजिए, जितना भी आपको स्पेस चाहिए क्रॉप करना चाहते हैं वो क्रॉप यहाँ से आप कर लीजिए, और यहाँ पे डन बटन पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारी फाइल यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है, डन बटन पे जाएंगे और यहाँ पे 1 to 2 पेज हो चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, और तो आप यहाँ से रेगुलर PDF में चाहिए या फिर इमेजेस में चाहिए दोनों कर सकते हैं। हमें यहाँ पे PDF में चाहिए तो यहाँ पर शेयर पर क्लिक करेंगे तो हमारी PDF यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। फिर चाहे हमें इसको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जहाँ पर भी भेजना चाहते हैं मैं यहाँ से भेज सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर मेरा एक दूसरा नंबर है वहाँ पे उसको सेंड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ओपन करके भी दिखाऊंगा PDF, तो हमारी PDF यहाँ पे ओपन हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पेज था और ये सेकंड पेज। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में जाना है, और यहाँ पर टाइप करना है टैप स्कैनर, इतना लिख के आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है, तो आपको यहाँ पे ये एप्लीकेशन मिल जाएगी और आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं स्कैन टू PDF। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे मैं आपके लिए डेली ला देता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट वापस मिलेंगे, जय हिंद वंदे मातरम।